कैसा लगा आप लोगों को आज का बिग बॉस का एपिसोड। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज क्या क्या हुआ है बिग बॉस के घर में, किस तरीके से क्वीन टास्क के अंदर हो गया है मचमच, जिसके बाद टास्क का आखिरकार क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा, कौन जीता कैसे जीता सारी बातें बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आप लोगों को बता दूं कि आज पहली बार लगा कि बिग बॉस के घर में कोई एक्टिविटीज हो रही थी। आज बिग बॉस के घर में हमें लगा कि फाइनली बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो है वो खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ में मुकाबला करते हुए नजर आ रहे थे। वह आपको बता दूं कि आज के दिन की शुरुआत जो हुई है वो काफी अच्छे तरीके से हुई है, जहां भले ही लड़ाई झगड़ा जो है वो टास्क की वजह से देखने को मिला हो, तो वहीं पर ही कई चीजों पर गौर करने वाली बातें हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आखिरकार पूरा टास्क क्या था। तो यहाँ पर बिग बॉस की तरफ से पवित्रा को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और वहां पे पवित्रा जो है इस रूल के बारे में बताती है, सारे रूल्स के बारे में बताती है, जिसमें गौहर खान और हीना खान ये दोनों जो है वो क्वीन बनती है और इनको जो जितने भी लड़के हैं उन्हें इम्प्रेस करना है, तो उसके लिए वो उन्हें एक जो भी ज्वेलरी उनके पास है वो ज्वेलरी वो देगी। यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला बन जाते हैं चोरों के सरदार। जी हाँ, तो यहाँ पे कबीला है और कबीला का जो चोरों का सरदार है, इस सरदार को चुरानी है सारी ज्वेलरी, लेकिन इनकी टीम में है सारी लड़कियां, यानी कि रुबीना, जैस्मिन, निकी, सारा और पवित्रा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया, क्योंकि स्टार्टिंग का आधे से ज्यादा समय तो यही समझने में लग गया कि आखिरकार इस गेम के, इस टास्क के रूल्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बजर बजते ही सारी ज्वेलरीज को चुरा लिया था अपने टीम के साथ में मिलके, लेकिन बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि अभी तक रानियां जो है वो अपने आसन पर आकर नहीं बैठी है, तब तक आप उस चीज को नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर जिस तरीके से एक इंटरेस्टिंग बनाया गया, सिद्धार्थ शुक्ला ने धीरे धीरे हीना खान ने कुछ ज्वेलरीज जो है वो पहन ली थी ताकि वो लड़कों के लिए वो बचा सके ज्वेलरी, तो कुछ इस तरीके से घमासान जो है वो नजर आया। इसी बीच हमें जो सबसे ज्यादा झगड़ा देखने को मिला वो सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के बीच में देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से गौहर खान जो है वो अपनी तरफ से राइट थी, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी तरफ से राइट थे, गौहर के हिसाब से टास्क जो है वो शुरू नहीं हुआ था, सिद्धार्थ के हिसाब से टास्क बजर बजते ही शुरू हो चुका था। अगर एक बार गौहर खान अपने सिंहासन के पास में आ चुकी थी तो दैट मीन्स उसके बाद में टास्क जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कों की टीम जीत चुकी थी। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, ये जो पूरा टास्क था ये लड़का वर्सेस लड़की था ही नहीं, ये एक्चुअली में ज्वेलरी और इम्यून का था। इस समय पर इम्यूनिटी अगर अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है रुबीना को, क्योंकि रुबीना जब से घर के अंदर एंट्री की है उन्होंने उनको घर के बाहर ही रखा गया है, अभी तक वो घर के अंदर नहीं आई है। ऐसे में सब एजाज खान डिसाइड करते हैं सबको, सबको मनाते हैं इस बात के लिए कि लड़कियों की टीम यानी कि सिद्धार्थ की जो टीम है वो जीतनी ही नहीं चाहिए। ऐसे में वो सबको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सब लोग जिनके पास जितनी जितनी ज्वेलरी है वो सारी की सारी अभिनव को दे दो, क्योंकि अभिनव के पास ऑलरेडी 12 ज्वेलरीज है, तो ऐसे में अगर हम सब उनको अपनी अपनी ज्वेलरी देते, क्योंकि सबके पास एक एक दो दो तीन तीन चार चार है, लेकिन द ह्यूज ऑफ अमाउंट जो है वो अभिनव के पास में है, तो अभिनव को दे दो तो अभिनव इम्यून हो जाएगा और हमारी लड़कों की टीम जो है वो जीतेगी। ऐसी प्लानिंग लड़कियों ने मिलकर नहीं की थी। अब यहां पर राहुल वैद्य कैरेक्टर में आ जाते हैं। राहुल वैद्य अपनी ज्वेलरी देने से इनकार कर देते हैं, उनके पास में दो ही ज्वेलरीज होती हैं और इन ज्वेलरीज को देने से वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से टास्क टास्क ही नहीं है और मैं जो हूं अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से खेल रहा हूं, तो मुझे ही लगता है कि दोनों तरफ से गलती है, इसलिए मैं ये ज्वेलरी नहीं दूंगा। अब यहां पर अभिनव शुक्ला जो है वो फंस जाते हैं, एजाज खान कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जान कुमार शानू जो है वो भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होते। एंड ऑफ गौहर खान पिक्चर में आती है, गौहर खान उनसे बोलती है कि मैंने जो आपको ये ज्वेलरी दी है, आपको ये मैंने इसलिए दी है ताकि आप अपने पास बचा के रख सको, आपने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से आपको ये ज्वेलरी मिले। तो यहां पर जब राहुल को ये बात सुनने को मिलती है तो राहुल जो है अपनी ज्वेलरी गौहर खान को दे देते हैं
और बजर की बजने से पहले पहले अभिनव को ये ज्वेलरी दे दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि टास्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभिनव इस टास्क को जीत जाते हैं और नॉमिनेशन से बच जाते हैं, इम्यून भी हो जाते हैं। लेकिन दुर्घटना तो है वो कुछ समय की ही है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से बिग बॉस जो है वो सीन पलटने वाले हैं, इस बारे में भी जरूर बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर इसी बीच जब ये टास्क खत्म हो जाता है, सब लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, एजाज खान का इससे पहले का मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि एजाज खान ने बर्तन धोने के लिए मना किया था। इवन एजाज खान रात के बर्तन करते वक्त इंजर्ड भी हो जाते हैं क्योंकि कांच का टूटा हुआ ग्लास होता है वो उनको लग जाता है। इसी बीच एक और कॉमेडी हुई है जिसे देखने के बाद शायद आप लोगों के हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। यहाँ पर जैस्मिन भसीन रोती हुई नजर आती है और उनके रोने का कारण है क्योंकि उन्हें कपड़े धोना नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि रुबीना, अभिनव और सारा गुरपाल ये तीनों ही हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे गार्डन एरिया में जब जैस्मिन ने उन्हें अपने कपड़े धोने की पूरी कहानी सुनाई है कि वो कितनी बार कपड़े धो चुकी हैं। उन्हें नहीं पता था कि कपड़े धोना इतना मुश्किल है, उनका बैक पेन कर रहा है, वहां पर कुछ बैठने के लिए भी नहीं है। तो हर किसी को जो है वो हंसी आ रही। तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कि आखिरकार जैस्मिन का ये साइड आप लोगों को कैसा लगा। मैं आपको बता दूं कि कल के आने वाले एपिसोड में अभिनव के साथ में बिग बॉस अपना सीन भी पलटने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा। और आज का ये पहला ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर देखने के बाद लगा फाइनली हम देख रहे हैं बिग बॉस जिसका सीन पलट रहा है। वेल, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही बिग बॉस के चटपटे रिव्यूज, चटपटी बातें मैं आप लोगों के लाती रहूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।